खास तौर पे वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी के बाद, या जो मोटापा गेन कर लेती हैं, सही, या पानी की रिटेंशन हो जाती है, ठीक, या फिर वो औरतें कि जो बहुत ज़्यादा कपड़े निचोड़ती हैं, सही, या बहुत ज़्यादा खाने पकाती हैं, तो यानी रिस्ट इस पे जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा होती है, तो दिस इज मीडियन नर्व की कॉम्प्रेशन है। जिन लोगों को अल्लाह ना करे गैंग्रीन हो जाती है, वो क्या होता है? गैंग्रीन का मतलब होता है कि जख्म सा बनता है। जी जी बिल्कुल। और उस जख्म के बाद, हाँ मैं आपको बताऊं, मेरी एक पेशेंट है, उसको स्मॉल वेसल्स की बीमारी है जिसमें हाथ ठंडे हुआ करते थे, और उसके बाद फिर वो कुछ अरसे के बाद एक लकीर बनती और हाथ काले हो जाते हैं, ब्लड जाना बंद हो जाता, और फिर आप हैरान होंगे कि वो झड़ के नीचे गिर जाते। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं सर आप? जी आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपने सुन ही लिया हमारा टॉपिक आज का क्या है कि नंब हो जाना, जैसे अक्सर कहते हैं सुन हो गया हाथ या सो गया हाथ पांव या फिर बॉडी पार्ट या फिर फिंगर्स, या फिर ठंडे होना, बेसिक वजह क्या है? देखिए ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ आपको बताता हूँ। जी जी। जो कंप्लेन करे कि मेरे दोनों हाथ सुन हो जाते हैं और दोनों टांगें सुन हो जाती हैं, तो ये पता करना चाहिए, अगर तो उसको शुगर है तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी कहलाती है। अच्छा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी। दूसरी इसकी बड़ी वजह ये है कि विटामिन B12 की कमी। अच्छा। अगर विटामिन B12 की कमी हो, ये विटामिन आपको वेजिटेबल्स में मिल जाता है, आपको दूध में मिल जाता है, बहुत सी गजाई चीज़ों में मिल जाते हैं, उसकी अगर कमी हो तो उससे भी ये सुन होने की इम्कान ठीक है। तीसरी एक वजह, अगर आपका हाथ पांव सुन हो और फिर ठीक हो जाए और फिर सुन हो और फिर ठीक हो जाए, तो और यंग एज हो खास तौर पे, तो एंग्जाइटी भी सुन कर सकती है। दी, सोते दी, दी, वक्त अक्सर होता है वो मैं आता हूँ उस पर। अच्छा। वो आता हूँ। सही। तो ये जो है ना अपना, सम पीपल यू नो दे कंप्लेन के हमारे हाथ सुन हो जाते हैं, लड़कियाँ खास तौर पर, अब वो एंग्जाइटी एंशियस, तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट टेम्पररी। डॉक्टर साहब ठंडे भी हो जाते हैं जिनके हाथ पांव ठंडे भी आते हैं। सही सही सही। तो एक तो ये हो गया। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था रात को, हाँ कई जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी हम जब रात को सोते हैं तो इन द मिडल ऑफ द नाइट हमारे हाथ सुन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, बाजू सो जाता है, और फिर हम यूं करते हैं, यूं करते हैं। अच्छा, जो लोग तो हाथ सुन होता है तो वो थोड़ा सा अगर ध्यान में रखें, अगर तो ये जो छोटी उंगली सुनना हो और बाकी ये यानी ये तीन और साढ़े तीन उंगलियां सुन हो, ठीक है, तो इसको हम CTS कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। सही। ये हमारी एक नर्व होती है यहाँ पे मीडियन नर्व, ठीक है, इस पे कंप्रेशन आ जाती है, खास तौर पे वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी के बाद, या जो मोटापा गेन कर लेती हैं, सही, या पानी की रिटेंशन हो जाती है, ठीक, या फिर वो औरतें कि जो बहुत ज़्यादा कपड़े निचोड़ती हैं, सही, या बहुत ज़्यादा खाने पकाती हैं, तो यानी रिस्ट इस पे जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा होती है, तो दिस इज मीडियन नर्व की कॉम्प्रेशन है। इसका फिर हम तीन तरीके से इलाज करते हैं। एक तो हम उनको इस जगह के ऊपर एक स्प्लिंट देते थे कि रात को वो सोएं तो हाथ उनका यूं ना हो, ठीक। नंबर टू हम उन्हें कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी में जो कपड़े निचोड़, कई दफा होता है ना कि एक कपड़े निचोड़ने की जगह टाइम बचाने के लिए दो ले लिए कटे, हाँ उनको निचोड़ लिया, इसको अवॉइड करें। और फिर तीसरा ये है कि इलाज के तौर पे हम या मेडिसिन देते हैं या थेरेपी करते हैं या यहाँ पे भी टीका लगाते हैं। अच्छा, कितना सोना नॉर्मल है और कितना मतलब हाथ सो गया, हफ्ते में एक दफा सो गया, महीने में दो दफा सो गया, ये नॉर्मल है और अलार्मिंग क्या है सिचुएशन? देखिए पहले तो देखिए ना सोता क्यों है, कोई भी जिस्म का हिस्सा आपने कई दफा देखा होगा टांग सो जाती है, जी जी बैठे, फिर आपने सुइयां चुभती हैं, पांव सो जाते हैं, जब भी नर्व दबेगी ना, सही सही सही, हमारी नस नर्व हमें पता होना चाहिए, आर्टरी होती है जो खून कैरी करती ठीक है, नर्व होती है जो करंट कैरी करती है, सही, ये अगर सो जाएगी तो वो जगह सुन हो जाएगी। अब वो हाथ हो सकता है, अगर पूरी बाजू सुन हो रही है तो वजह गर्दन है, सही, अगर सिर्फ हाथ सुन हो रहा है तो वजह रिस्ट है। अगर आप एक पोस्चर में बैठते हैं, हाँ, जो काफी देर बैठे रहे, सुन हो जाता है, आप अगर एक टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं, जी जी, तो आपकी एक नर्व दब जाए तो सुन हो जाएगी। तो इसलिए मतलब अगर आप, बट दिस हैपन्स ओकेशनली। अच्छा, ये जो अब हाथ सुन होने का आपने कहा, अगर ये हर रोज ही रात को लगे तो दैट नीड्स ट्रीटमेंट,
और एक्सरसाइज अगर इसकी करनी हो तो यू नो अपने हाथों को कोशिश करें कि यूं कम से कम रखें और यूं ये करें. हमारे जिसमें इतना करंट है कि 40 वॉट्स का एक बल्ब जल सकता है. सही. और हमारे ब्रेन की जो सारी एक्टिविटी होती है इट इज बेस्ड ऑन करंट. सही. और ये जो करंट्स होते हैं ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आप इसकी भाई इमिट कर सकते हैं. इतनी शिद्दत में वो तकलीफ होती है ना कि रमजान में शुरू हुआ. वॉशरूम रमजान में शुरू हुआ. वॉशरूम की कुंडी लगा रहे टक. इतना करंट. आपने गाड़ी का हाथ लगाया टक. आपने किसी भी लोहे की चीज को हाथ लगाया. एग्जैक्टली यू नो देयर इज अ चार्ज इन द बॉडी. एक और मैं छोटी सी बात. बॉडी का बहुत ज्यादा चार्ज होगी. हां मैं एक छोटी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात ये भी बता दूं. देखिए जिस जमीन में हम रहते हैं ना इसका एक अपना चार्ज है. जी जी जी. पूरी जमीन कितनी बड़ी है. सही. अच्छा हम पुराने जमाने में नंगे पांव अपनी बॉडी को चार्ज किया करते थे जमीन पे पांव रख के. सही. अब आप बताएं हम कहाँ रखते हैं जमीन पे नंगे पांव कदम. सही बात है. हर वक्त हमने जूते जुराबे पहनी होती हैं. फर्श पे हम फिर रहे होते हैं. इसका हल क्या है. हमें क्या हल करना है कि आप नंगे पांव घास पे चला करें. अच्छा तो यह बेहतर हो जाएगा. यू शुड हैव नेचर के साथ अपना कम्युनिकेशन. ये देखिए दरख्तों को हाथ लगाना, फूलों के साथ खेलना, दरख्तों को पहाड़ों को छूना, बहते हुए पानी में हाथ लगाना. आई मीन दैट्स योर कम्युनिकेटिंग विद द नेचर. और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है. एंटी डिप्रेसेंट. एग्जैक्टली. तो इसलिए आई थिंक आई मीन दिस इज द आंसर ऑफ योर आउट ऑफ द बॉक्स. थैंक यू सो मच. जो ये कहते हैं कि ठंडे हाथ पांव जिन लोगों के होते हैं, ठंडे हाथ स्पेसिफिकली बेवफा लोग होते हैं. इसमें कितनी. देखिए मैंने एक दफा गोरे से पूछा था व्हाइल आई वाज इन इंग्लैंड. सही. तो क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है ना कि अपना मच्छी खा ली तो दूध नहीं पीना. हाँ जी, इसकी तासीर गर्म है. जी, 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 तो मैंने उससे पूछा था. मैंने कहा कि ये ठंडे हाथ इसकी क्या वजूहत होती हैं. तो उसने कहा अगर आपने ठंडे पानी में रखे होंगे तो ठंडे होंगे. हीटर के करीब ले जाओगे. एक्चुअली वो लोग जिनके हाथ ठंडे रहते हैं उनकी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है. तो जिनकी ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि हमारी जो हीट है ना ये सारी पांव भी ठंडे रहते हैं. हाँ ये ब्लड के थ्रू आती है. अगेन डायबिटिक्स के अंदर और कुछ बीमारियां हैं हमारी ब्लड वेसल्स की. और फिर जिन लोगों को अल्लाह ना करे गैंग्रीन हो जाती है. वो क्या होता है. गैंग्रीन का मतलब होता है कि जख्म सा बनता है. जी जी बिल्कुल. और उस जख्म के बाद. हाँ मैं आपको बताऊं मेरी एक पेशेंट है उसको स्मॉल वेसल्स की बीमारी है जिसमें हाथ ठंडे हुआ करते थे. और उसके बाद फिर वो कुछ अरसे के बाद एक लकीर बनती और हाथ काले हो जाते हैं. ब्लड जाना बंद हो जाता. और फिर आप हैरान होंगे कि वो झड़ के नीचे गिर जाते. अस्तग़फ़िरुल्लाह. I've shown her to one of the programs also. मैं अपने आपको चैनल के प्रोग्राम से दिखाया मैंने. बल्कि आई अपील टू द चीफ. तो उसका पहले एक टांग झड़ी, फिर दूसरी झड़ी, फिर मैंने उसको टांगे बना के दी. शी केप्ट ऑन वॉकिंग विद दोज लेग्स फॉर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स. सही. फिर उसका एक हाथ झड़ गया. अल्लाह अकबर. तो ये ऐसी ऐसी बीमारियां मौजूद हैं. इसलिए मैं यानी सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर एक कंडीशन आपको बार बार परमानेंटली तंग कर रही है तो मस्ट सीक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर. सही. और हर चीज़ को बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं समझना चाहिए. जी जी जी. कि अगर हाथ थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया तो क्या से क्या हो गया. आपकी गर्दन में हो सकता है. आपने करंट की बात की. आपने कभी देखा है यहाँ पे आपका हाथ लग गया तो करंट. यहाँ पे करंट इसलिए कि यहाँ पे ये नर्व नंगी होती है ना. सही. अब नंगी का मतलब है कि इट्स जस्ट अंडरनीथ द स्किन. हाँ. जैसे बिजली की तार नंगी होती है. जैसे बिजली की तार. तो इस पे लग जाए तो करंट लगता है. जी. अच्छा ये तो हो गया हमारा नंब हो जाना. अब कुछ लोगों का ये मसला होता है कि रात में उनके पाँव में से हीट निकलती है. मतलब वो कहते हैं हमारे पाँव को आग लगी हुई है. इसका भी इससे कोई रिलेट. देखिए बिल्कुल. अभी ये परसेप्शन भी हो सकती है. परसेप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को जो न्यूरोपैथी. हाँ न्यूरोपैथी जिनको होती है ना उनके अंदर असल में हीट पाँव में नहीं होती. दिमाग में होती है. दिमाग में. दे फील हीट. सही है. तो ये बहुत से लोगों का ये मसला. डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स होते हैं. अच्छा एक बड़ा इम्पोर्टेंट बाकायदा डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम.
जी एग्जैक्टली सुना होगा आपने, उलझन होती है उलझन, हाँ पूरा दिन ठीक रहते हैं, रात में जब सोने लगते हैं तो टांगे कभी इधर मारी कभी लगता है सुनो रही होती हैं, ऐसे ही समझ नहीं आ रही पोस्चर कौन सा करें, पोस्चर चेंज कर, फिर क्या करते हैं ये लोग उठते हैं, उठ के ये थोड़ा बहुत चलते हैं, जब चलते हैं इनका कॉन्टेक्ट ग्राउंड से बहाल होता है, दे फील बेटर, फिर नींद आती है। तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि हमने नंगे पाँव चलना छोड़ दिया है, तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि हम नंगे पाँव चला, मैं बिल्कुल मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज कीप इन टच विद नेचर, आसमान को देखा करें, जब भी चौदहवीं का चांद निकले उसको देखें, उसको दो चार मिनट एंजॉय किया करें, चांदनी से मोहब्बत करना सीखें, ग्रीनरी को देखा, ग्रीनरी को पहाड़ों को, सिर्फ शायरी ना पढ़ें, हाँ नहीं नहीं दिस इज, ये जो है ना ये शायरी पढ़नी है, ये प्रैक्टिकल शायरी है, प्रैक्टिकल बी अ पार्ट ऑफ द नेचर, सही, यू कुड बी अ बेटर पोएट, ट्राई करते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब इसका कोई हल भी, मतलब एक तो चलें ये एक्सरसाइज और या नेचर से करीब रहना होगा, अभी जैसे वो आप बता रहे थे, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द कैसे काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको ये वाला आता है ऑन एंड ऑफ रेस्टलेस टांगों वाला। देखिए मैं आपको ना तीन जुमलों में सारा बता देता हूँ, जिन लोगों के पाँव की स्वेलिंग होती है ठीक है, उनको तो रात को सोते हुए अपने गद्दे के नीचे तकिया रखना चाहिए पैरों वाली साइड पे, या फिर अपने पैरों के नीचे रख लें ताकि पाँव ऊंचे हो, थोड़े ऊंचे हो, ठीक है तो स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह जब नीचे बैठे तो बहुत पाँव लटका के ना बैठे, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि बाज लोगों को ठंडे पानी में अगर पाँव डाल दें थोड़ी देर के लिए तो बेहतर हो जाता है, हाँ सही। लेकिन अगर स्वेलिंग परसिस्टेंट है और उसको ये पता हो कि मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का या गुर्दों का, तो फिर ये खतरनाक होगी, तो फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है, क्योंकि कार्डिक फेलियर के अंदर पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन जनरली आपने देखा होगा अमेरिका से आप लंबी फ्लाइट से पाकिस्तान आते हैं पाँव सूज जाते हैं, तो डॉक्टर साहब अगर पाँव सूज गए तो फौरन तौर पर कोई टेस्ट करा लेने चाहिए फिर? नहीं, जनरली आप अगर पाँव सूज जाते हैं ऊंचा करके रखें, अगर कुछ दिनों के अंदर आप बेहतर हो जाते हैं तो देयर इज नो नीड, नहीं होते तो सीख। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनकी पाँव की कोई फिंगर्स हो जाती है तो इज इट अलार्मिंग? नहीं, जो पाँव की फिंगर का सोज है ना हार्ट से रिलेटेड, मतलब वो सेंस ही नहीं कर रही एक दो दिन, नहीं नहीं उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वजह? वो नर्व का ताल्लुक है, सही, वो आपकी कमर की नर्व हो सकती है, प्रेस हो गई है, प्रेस हो गई है कमर में हो सकती है, घुटने की साइड के ऊपर हो सकती है, सही, शैटिक नर्व हो सकती है, जी शैटिका वाली, हाँ शैटिका वाली। सो एक प्रिंसिपल आप याद रखें, अगर आपको कोई चीज सुन हो तो नर्व्स की बीमारी है, दर्द हो मूवमेंट के ऊपर तो पट्ठों की बीमारी, और अगर बगैर मूवमेंट के दर्द हो रही हो तो ये बोन की बीमारी होती है। अक्सर हमने देखा है कि पूरा पूरा हाथ लोगों का सो जाता है, 50 प्लस की बात कर रही हूँ मैं, और वो कितनी कितनी देर तक पकड़ते रहते हैं। अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी है कि हम लोग कोशिश करते हैं उस चीज़ को दबाने की, कुछ डॉक्टर्स को मैंने ये देखा कि अगर उनका कोई हाथ पाँव सो जाता है तो वो एक्सरसाइज के साथ अपना सर हिलाते हैं, इसलिए कि उनको ये शक होता है कि नेक की वजह से हो रहा है, बिकॉज यू नो नेक की जो नर्व्स होती हैं उनका पेन, गर्दन में दर्द होगा और पूरी बाजू में पेन आएगा, तो उस सूरत में अगर नेक की आप एक्सरसाइज करें, हाँ एक छोटी सी मैं आपको आधे मिनट की एक्सरसाइज बता देता हूँ, आप ये इमेजिन करें कि आपने दोनों हाथ ऊपर किए और दो बल्ब हैं, आप उतार रहे हो और बल्ब थोड़े ऊंचे हैं और हाथ बिल्कुल ऊपर ले जाए और यू यू करें, दिन में तीन दफा उनको उतारे, तीन दफा दो दफा तीन दफा आप दो दो बल्ब उतार लें, सही, तो आपको नेक का प्रॉब्लम बहुत कम होगा। और कितनी देर? लेकिन ये नहीं कि कहीं भी आप जाएं तो बल्ब देखे उतारना शुरू कर लेकिन डॉक्टर साहब कितनी देर करते रहने ये? जस्ट रूट टू थ्री टाइम्स, यू नो टू थ्री टाइम्स, हाँ लाइक दो बल्ब उतारने हैं आपने, कितनी देर लगेगी? शोल्डर पे स्ट्रेस हो जाता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, वो भी इससे बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा। उसका एक और भी है कि दोनों हाथों को यूं कर लें और समझेंगे आपने दो चाबियां पकड़ी हैं, अच्छा, और आप दो ताले खोल रहे हैं, क्या बात, ऐसे डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और हम लोग किसी और दिन वो जो मजीद मौजूदात आप बता रहे थे okay. भी डिस्कस करने के काबिल हूं, और एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक आपने बताया कि रात के इतने बजे तक व्हाट्सएप यूज करें, इतने के बाद ना करें।